की तमन्ना अपने हाथ जलाए, अपने हाथ जलाए, मेरे सपने आंसू बनकर मेरी आँख में आए, मेरी आँख में आए, मुझे सकी में नहीं आता किसी दोस्त क्या कहूं किसे दोस्त आपको अनीता या अपने आप को कसूर अगर मेरा है तो अपने आप को इल्जाम क्यों दोगी शिवानी शुरू से ही मुझसे गलती होती रही है मैं और अनीता एक दूसरे के नजदीक आए तो तुम मुझसे दूर होती चली गई मैंने तब भी अपनी गलती को नहीं स्वीकार किया तुमसे झूठ बोला कि मेरा और अनीता का कोई रिश्ता नहीं है अब देखो उस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगी मगर फिर भी तुमसे माफी मांगना मेरा फर्ज है जब आप जानते हैं कि मैं आपको माफ नहीं करूंगी तो माफी क्यों मांग रहे हैं आप तो जज्बात के रो में बह गए ये तक नहीं सोचा कि इसका हमारे परिवार पर क्या असर होगा हमारे बच्चों पर क्या असर होगा हमारे बच्चों की शादी कराने जा रहे हैं हम लोग मगर शादी के बाद वीरेंद्र या नरेंद्र ने ऐसी कोई गलती तो किस अधिकार से आप उन्हें रोकेंगे मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं शिवानी मैंने कहा था अनीता से कई बार कि अबॉर्शन करवा लो पर वो राजी नहीं हुई कैसे राजी होती वो हाँ मर्द तो अपना दामन झटक कर अलग हो जाते कुर्बानी तो औरत को देनी पड़ती है हम मर्दों में से आप भी बताओ शिवानी मैं क्या करूं मैं क्या और मैं क्यों बताऊं ये जिस से आपने खड़ी की है इसका हल भी आप ही को ढूंढना होगा ये काम करते हैं अनीता को बंबई भेज देते हैं उसकी देखभाल करने के लिए एक नर्स रख लेते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो नर्सिंग होम में एडमिट करवा लेंगे एक ना एक दिन तो वो बच्चा पैदा होगा ना फिर क्या करोगे उसके साथ हा? आश्रम या यतीम खाना भेज दोगे उसे क्या शिवानी तुम क्या क्या कहना क्या चाहती हो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं मैं शर्मिंदा हूं मैं माफी मांग रहा हूं मुझे माफ करो मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब है नहीं शर्मिंदगी का इजहार करना बहुत आसान है माफी मांगना भी कोई मुश्किल नहीं है मुश्किल जो है वो ये है आगे क्या होगा मेरे सवालों का जवाब
आपको खुद ढूंढना होगा। मुझे आप फिलहाल इस वक्त मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। चांदी, मम्मी नजर नहीं आ रही, जरा उनको बुला के लाना, कहना कि नाश्ता तैयार है, आके खा लें। जी। वो अपने कमरे में ही है, उनकी उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो यहां नहीं आएंगे। उनकी तबीयत तो क्या हुआ, कल तक तो ठीक थी वो। एक मिनट, मैं बुला के लाता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है माँ। कुछ नहीं तो आप इतना रो क्यों रहे हो? डैडी ने कुछ कहा? किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। तुम जाओ यहाँ से। मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो तुम। माँ, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, ऐसी हालत में आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? आपने सर के लिए कोई दवाई, कोई गोली ली है क्या? मैंने दवाई ले ली है। मैं अब आपका नाश्ता यहीं भिजवा दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। मैं आपको मुझसे बात करनी होगी, आपको बोलना होगा कि माँ बोलो ना क्या हुआ। माँ, तूफानी हवाएं चलती, सैलाब आते, जलजले से धरती कांप उठती, और फिर जिसने ये दुनिया बनाई है वही इस दुनिया को तबाह करके रख देता, और बर्बादियों की इंतहा इस हद तक होती है कि दोबारा उस दुनिया को बसाने में परसों लग जाए। ऐसा क्यों होता है किसी को पता नहीं। माँ, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या समझो? माँ, आप रो मत, आप अच्छा माँ, आप रोना बंद करो, आप रोना बंद करो, मैं चले जाता हूँ, आप आराम करो, मैं चले जाता हूँ।
क्या हुआ है मम्मी को? आपने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो तो अपने कमरे में रो रही थी। मुझे शक है कि उनकी रोने की वजह कुछ और है। वजह चाहे जो भी हो, ये तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच का मामला है, और मैं अपनी तरफ से कोई सफाई देने की जरूरत नहीं समझता। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो आप वजह बताने से इनकार कर देंगे और मैं मान जाऊंगा। वीरेंद्र, वकालत की एक लाइन तक नहीं पड़ी और जिरह करनी शुरू कर दी तूने। डैडी से बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है? ये शर्म कहीं का। महेंद्र भैया, तुम मत बोलो बीच में तो अच्छा है। मैं डैडी से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। तू अगर डैडी से बदतमीजी से बात करेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? ताज्जुब है, ताज्जुब है कि तुम इस तरह से बात कर रहे हो, जो हर रोज किसी ना किसी बात पे डैडी से झगड़ा करता है, उनसे बदतमीजी करता है, उनका अपमान करता है। तुम जानते भी हो बदतमीजी और तमीज में क्या फर्क होता है? देख, मुझे गुस्सा मत दिला। मेरी जिंदगी जीने के कुछ नियम हैं, कुछ उसूल हैं। अगर कोई बीच में मुझे टोकेगा ना तो मैं चुप नहीं रह सकता। तो चाहे मेरे सामने कोई भी हो, समझे तुम? मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना। वरना क्या, क्या करेगा तू? बोल, क्या करेगा तू? तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, चुप करो। हमेशा आप मुझे बोलते हैं चुप करो, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा, आज मैं बोल कर रहूंगा। कौन से उसूल और नियम की बात कर रहा है तू? कौन से? फैक्ट्री में से पैसे अकाउंट में से तुम चुराओ, अपने दोस्तों के साथ अय्याशियां तुम करो, हजारों रुपए चूहे में तुम उड़ाओ, और कोई तुमसे कुछ ना बोले, क्यों? मेरी और मम्मी के जमीन के हिस्से के लिए झगड़े तुम करो, मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश तुम रचो, यही है तुम्हारी जिंदगी के उसूल? क्या यही है तुम्हारे जिंदगी के नियम? बोलो। मेरे, तुम चुप हो जाओ, दोनों चुप हो जाओ, बस बहुत बोल चुके हैं, अब कुछ नहीं सुनूंगा। तुम यहां खड़ी क्या कर रही? जाओ अपना काम करो, तुम्हारी जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जी। मैं हूँ चांदनी, दरवाजा खोलिए। मेम साहब, मेम साहब दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए मेम साहब। डाइनिंग रूम से कैसी आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई झगड़ रहा हो? अपने नरेंद्र जी है ना,
उन्हें तो आदत है झगड़ने की। नरेंद्र जी को तो मौका चाहिए ना वीरेंद्र जी के साथ लड़ने झगड़ने का। मेम साहब नाश्ते के टेबल पर नहीं है तो इसी बात पे वीरेंद्र जी ने बड़े साहब से और नरेंद्र जी से उसकी वजह पूछी। बेवजह नरेंद्र जी भड़क पड़े। उस लड़ाकू इंसान के तो ना किसी को भी मुंह नहीं लगना चाहिए। उसने मंगल जी के साथ जो किया है ना वो मैं कभी नहीं भुला सकती। रमा मुझे तो मेम साहब की फिक्र हो रही है। अभी बस कुछ ही दिन तो हुए कि वो साहब के साथ रहने गई है लेकिन इतने में ही सब गड़बड़ हो गया और मुझे पूरा यकीन है ये उस डायन अनीता के वजह से हुआ है। मैंने मेम साहब से मना भी किया था कि वो उसे घर पे नहीं आने दे लेकिन मेम साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी। रैम आ गया उनको अपनी छोटी बहन पर। क्यों? क्योंकि वो बीमार जो है। आखिर ये कैसी बीमारी है? तुझे याद है जो मैंने उस दिन कहा था कि बड़े मालिक उस डॉक्टर को पैसे दे रहे थे पर उस डॉक्टर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। चांदी ये चक्कर पेट में दर्द अनीता मेम साहब कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है? नहीं नहीं भगवान ना करे अगर ऐसा हो। हमारे मेम साहब की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। बंबई से कुछ मेहमान आने वाले हैं नरेंद्र और वीरेंद्र से मिलने। असल में ये वो माँ बाप है जो हमारे समधी बनेंगे। अगर रिश्ता ठीक ठाक जम गया और मेरे बेटों को दोनों लड़कियां पसंद आ गई तो बस फौरन शादी कर लेंगे और एक साथ दो दो बहुएं आ जाएंगी हमारे घर। चांदनी क्या हुआ? इधर आओ, यहां चलिए इधर आओ बैठो। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? शादी? तुमने नहीं तो कम से कम तुम्हारे माँ बाप ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। खूबसूरत हो, घरेलू हो, स्वभाव की इतनी अच्छी हो, जो भी लड़का तुमसे शादी करेगा कम से कम वो बहुत खुश नसीब होगा। सच कह रहा हूं ना? देखो चांदनी वो खुशकिस्मत लड़का मैं बनना चाहता हूँ। चांदनी सच पूछो तो बहुत पहले से मुझे तुमसे कुछ कहना था, तुमसे कुछ सुनना था, कुछ समझना था लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। मुझसे शादी करोगी? आपको पता है ना आपकी मम्मा आपके लिए लड़की ढूंढ रही है। ये तुमसे किसने कहा? उन्होंने खुद बताया। हाँ,
देखो चांदनी, मैं अपनी मामा को पहले ही बोल चुका था कि मैं शादी करूंगा तो अपने पसंद की लड़की से। ये बोलने से पहले मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि चांदनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपको लगता है कि आपके घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे? मैं आपके घर की एक मामूली नौकरानी हूँ और नहीं 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 चांदनी, मेरे लिए ना ही तुम कोई मामूली लड़की हो और ना ही मेरे घर की नौकरानी। जहाँ तक सवाल है मेरे माँ बाप का, तो उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। चांदनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी ना?